दोस्तों क्या अब साउंड आ गया है अब साउंड आ गया है प्लीज चेक करिए अब साउंड आ गया है क्या जल्दी से बताइए क्या अब साउंड आ गया है? साउंड आ गया हाँ तो अब साउंड आ चुका है चलिए तो स्टार्ट करते हैं वापस मैं बता देता हूं मैं क्या बोल रहा था आप लोगों को देखो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि रेलवे एल पी सी बी टी वन में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपको पता है ए एल पी जो होता है वो दो स्टेज में दोस्तों माइक में बिल्कुल बैटरी चली गई थी इसके लिए माफी चाहता हूँ है ना कई बार टेक्निकल इशू हो जाता है यार ठीक है तो देखिए वापस पूरा सेशन स्टार्ट करते हैं मैं आप लोगों को बोल रहा हूं दोस्तों इस क्लास में हम लोग सी बी टी वन के जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सॉल्व करने वाले हैं आपको पता है सी बी टी वन में आती है आप लोगों के ठीक है सी बी टी वन में आपकी आती है जनरल साइंस जबकि बात करी जाए सी बी टी टू की ठीक है चलिए बात करी जाए सीबीटी टू की तो इसमें आती है आप लोगों की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसका सिलेबस में आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं बिल्कुल अलग सिलेबस है जनरल साइंस का और इसका ठीक है तो आज हम लोग करेंगे सीबीटी वन में पूछे गए साइंस के क्वेश्चन चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताते जाइए बीस अगस्त दो की शिफ्ट वन में ये क्वेश्चन पूछा गया था क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में आइए हम लोग समझते हैं देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है इनवॉलेंट्री एक्शन इन ह्यूमन इनवॉलेंट्री एक्शन आप लोग किसको बोलते हो जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है जैसे भैया अगर मैं बोलूं आपको छीक आना ये आपकी इच्छा के अनुसार थोड़ी होती है आप अपने हाथ का मूवमेंट करते हो ये तो आपकी इच्छा के अनुसार हो जाता है बट बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होती उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज यानी अनैच्छिक गतिविधियां तो जैसे आप लोगों का सलाइवेशन लार बनना अभी आपके इच्छा के अनुसार थोड़ी ज्यादा बन सकता है कम बन सकता है ठीक है ना तो यह भी एक अनैच्छिक गतिविधि है तो बोला जा रहा है अनैच्छिक गतिविधि जो होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है ऑप्शन में आप लोगों को चार ऑप्शन दिए हुए हैं ठीक है तो देखो दोस्तों हमारा जो ब्रेन होता है ना मस्तिष्क इसके तीन पार्ट होते हैं एक होता है फोर ब्रेन जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं अग्र मस्तिष्क एक होता है मिड ब्रेन जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं मध्य मस्तिष्क और एक होता है हिंड ब्रेन जिसे आप लोग बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क बिल्कुल पीछे वाला भाग तो इस हिंड ब्रेन के भी आप लोगों के तीन पार्ट होते हैं एक तो होता है जिसे आप लोग हिंदी में अनुमस्तिक बोलेंगे एक होता है मेडुला मेडुला और एक होता है तो होता है है पॉन्स तो दोस्तों ये जो ना ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या करता है कंट्रोल करता है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक है मैं आप लोगों को बता दूं ये रहा आपका मिड ब्रेन और ये रहा आपका पीछे वाला पार्ट होता है ना पीछे वाला तो जो मेडुला है ना देखो मेडुला यहां पर आपका पीछे पाया जाएगा आप लोगों का ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए निम्नलिखित में से किसका उपयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है क्योंकि अगर पीने के पानी में कुछ कीटाणु हुए कुछ जम्स हुए तो आप लोगों को बीमार कर देंगे तो अगर आप लोग चाहते हो इसको कीटाणु रहित करना तो किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों इसमें इस्तेमाल करते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का क्यों क्योंकि दोस्तों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना इसका फॉर्मुला होता है सी एओ सी एल टू तो जब ये H2O के कांटेक्ट में आता है पानी के कांटेक्ट में आता है तो ये क्या करता है क्लोरीन गैस रिलीज करता है और आपको पता होगा क्लोरीन गैस जो होती है ना वो जमस जीवाणु इसको इस जो रोगाणु ना उनको मारती है बैक्टीरिया को खत्म करती है तो क्लोरीन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्लोरीन गैस कैसे बन रही है ब्लीचिंग पाउडर की मदद से बन रही है तो आप लोग बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है पानी को कीटानुरोहित करने के लिए चले आगे आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है पोलेन ग्रेन्स यानी परागकर्ण आपको कहां पर मिलेंगे किस पार्ट में परागकर्ण मिलेंगे अभी परागकर्ण होते क्या है देखिए अगर मैं आप लोगों से बोलूं ह्यूमंस रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं तो आपको पता है मेल बॉडी से बनता है स्पम जो कि किस में जाता है फीमेल बॉडी में जाता है तो ये रिप्रोडक्शन का बिल्कुल बेसिक आप लोगों का बोल सकते हो प्रोसेस है है ना रिप्रोडक्शन में ये वाली चीज होगी ही हो होगी तो सिमिलरली ऐसे प्लांट जिनमें फ्लॉवर पाए जाते हैं पुष्प पाए जाते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं आइए मैं आपको बताता हूं तो फ्लॉवर में भी मेल पार्ट होता है और फीमेल पार्ट होता है ये जो आप लोग देख रहे हो ना जिसमें मैं ये आउटलाइन कर रहा हूं ये क्या है पूरा का पूरा मेल पार्ट है यानी इससे कुछ निकलेगा और ये जो आप लोग देख पा रहे हो ना ये वाला पार्ट ये 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 है फीमेल पार्ट यानी इसमें कुछ आएगा तो मेल पार्ट से जो कुछ निकलेगा ना उसको आप लोग बोलेंगे परागकण यानी पोलिन तो यहां से निकलेंगे निकलेंगे और किस में जाएंगे फीमेल पार्ट में जाएंगे अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है परागकण किस में पाए जाते हैं तो देखो ये मेल पार्ट में ना मैं इसको बड़ा बना देता हूं अलग से ये मेल पार्ट कुछ ऐसा हो, होता है ठीक है तो मेल पार्ट का जो ऊपर वाला पार्ट देख पा रहे हो इसको बोलते हैं एंथर और हिंदी में इसे बोला जाता है पराग कोश तो इसी में आप लोगों को छोटे छोटे पोलेन परागकण मिलेंगे जो कि अल्टीमेटली कहां पर जाएंगे फ्लावर के फीमेल पार्ट में जाएंगे समझ में आ गई बात को तो कहां पर मिलेंगे एंथर पराग कोश में आपको मिलेंगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइए क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है डैश इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है अंतश्रावी ग्रंथि नहीं है देखो दोस्तों ग्लैंड आप लोग किसको बोलते हैं ग्रंथी ऐसे ऑर्गन या ऐसे अंग को जिनसे कोई ना कोई पदार्थ निकलता है जिनसे कोई ना कोई सब्सटेंस निकलता है अगर निकलने वाला पदार्थ हार्मोन है अगर निकलने वाला पदार्थ हार्मोन है तो ग्लैंड को आप लोग बोलोगे एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंत श्रावी ग्रंथि और निकलने वाला पदार्थ अगर कोई जूस है है ना कोई रस है ना या कुछ एंजाइम्स निकल रहे हैं तो ऐसी ग्लैंड को आप लोग बोलेंगे एग्जोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य ग्रंथि दोस्तों जो लीवर होता है ना इससे कोई हॉर्मोन नहीं निकलते इससे निकलता है बाइल जूस यानी पित्त रस तो इसको मैं एग्जोक्राइन बोलूंगा एंडोक्राइन नहीं बोलूंगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जबकि जो पीनियल ग्लैंड होती है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है इससे भी कुछ हॉर्मोन निकलता है कौन सा निकलता है इससे निकलता है मेलाटोनिन हार्मोन जो एडिनल ग्लैंड होती है जो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है इससे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथी ये भी हमारे ब्रेन में ही मिलेगी आप लोगों को तो इससे भी हॉर्मोन्स निकलते हैं यानी तीनों की तीनों क्या है एंडोक्राइन यानी अंत्यशावी ग्रंथि है चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर बताइए बताइए जल्दी से बताओ क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है जो ध्वनि का वेग होता है ना इसके रिलेटेड आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट है जो बताने हैं जो सही है देखो आप लोगों को मैं बता दूं साउंड की स्पीड ज्यादा कब होती है जैसे मान लो एयर है यहां पर यहां पर साउंड आप लोगों का ट्रेवल कर रहा है तो साउंड की स्पीड ज्यादा कब होगी अगर इस मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा होगा जिस भी मीडियम जिस भी माध्यम से साउंड अगर गुजर रहा है अगर उस मीडियम का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो साउंड की स्पीड ज्यादा होती है तो मीडियम का टेम्परेचर यानी तापमान जब ज्यादा होता है तो साउंड की स्पीड चाल वेलोसिटी वे कुछ भी बोल लो आप लोग वो क्या होती है ज्यादा होती है तो आपको पता है दोस्तों सर्दियों में जो टेंचर होता है वो कम होता है यानी सर्दियों में साउंड इतना ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर पाएगा गर्मियों में टेपरेचर ज्यादा होता है इसलिए साउंड जल्दी ट्रेवल करेगा ठीक है तो सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है ध्वनि का वेग ओके चलिए बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है बताओ प्रकाश की गति अधिकतम तो अगर हम लोग बात करें प्रकाश जो होता है ना वो आप लोगों का माध्यम में मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है और अगर कोई माध्यम नहीं हो माध्यम का मतलब कुछ भी नहीं होना जैसे अगर आपके रूम में एयर भी नहीं है ना तो इसको मैं बोलूंगा वैक्यूम यानी निर्वात

अगर पानी में से जा रहा तो उसको पानी को चीर के जाना पड़ेगा ना तो पानी में उसकी प्रकाश की चाल क्या होगी कम होगी निर्वात में क्या होगी ज्यादा होगी तो सबसे ज्यादा होती है निर्वात में कितनी होती है तीन गुना दस की घात आठ मीटर पर सेकेंड बात करी जाए एयर में से कम होती है 2.999 तो उसको लगभग आप लोग 3 इंटू टेन की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ही मान लेते हैं बट बट वैक्यूम से चिन्नू से कम होगी सबसे ज्यादा होगी वैक्यूम में आप लोगों की होगी ठीक है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कांच में कितनी होती है कांच में होती है दो गुना दस की पावर आठ मीटर पर सेकेंड अगर बात करी जाए पानी की तो पानी में कितनी होती है टू पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड समझ में आगे बात को चलो आगे चलते हैं आंसर बताइए क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर बताइए सर आरपीएफ का भी क्वेश्चन करा दीजिए सबका कराएंगे टेंशन ना लीजिए आप लोग सबका कराएंगे देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में दस ओम के दो समान प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं दो प्रतिरोध है कितने के दस दस ओम के ठीक है ये पहला प्रतिरोध मैंने बना लिया कितने ओम का है सर दस ओम का तो दस ओम के दो प्रतिरोध है जो किसमें जुड़े हुए हैं समांतर में यानी इसी के पैरल में है ना इसी के जस्ट पैरेलल में दूसरा जुड़ा हुआ है वो भी कितने ओम का है दस ओम का है ठीक है आपने ऐसे जोड़ दिया क्लियर है क्या अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है प्लीज ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है यह है जो संयोजन है यानी इस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है इस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है यह संयोजन श्रेणी में दस ओम के तीसरे प्रतिरोध से जुड़ा हुआ है मतलब ये पूरा का पूरा ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये किससे जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध से और जुड़ा हुआ है दस ओम के सीरीज में जैसे इसके जस्ट सीरीज में है ना इस कॉम्बिनेशन से जस्ट सीरीज में जुड़ा हुआ है मैंने जोड़ दिया तो आप लोगों को बोला जा रहा है समतुल्य प्रतिरोध निकालो समतुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है इन दो प्रतिरोध का एक इसका और एक इसका इन दोनों का इक्वेलेंट निकालता हूं समतुल्य निकालता हूं तो ये दोनों किस में पैरल में समांतर में तो जब भी प्रतिरोध समांतर में होते हैं उनका इक्वेलेंट कैसे निकालते हो उसका फॉर्मूला है वन अपॉन आर इक्वेलेंट क्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू अगर तीन होते तो प्लस वन अपॉन आर थ्री आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा वन अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन पहला प्रतिरोध कितना है दस प्लस वन अपॉन आर टू दूसरा कितना है दस ठीक है तो वन अपॉन आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू टू बाई टेन हो जाएगा ये वन बाय फाइव के बराबर हो जाएगा तो आर कितना हो जाएगा पांच ओम हो जाएगा यानी दोस्तों इस वाले प्रतिरोध और इस वाले प्रतिरोध का आपने समतुल्य निकाल कितना होता है पांच ओम ठीक है तो मैंने इधर लिख दिया इन दोनों का निकाल दिया आपने कितना ओम और और जस्ट इसके सीरीज में एक जुड़ा हुआ है दस ओम का तो जब दो प्रतिरोध आपके सीरीज में होते हैं श्रेणी में होते हैं तो इनका समतुल्य कैसे निकालते हो तो जस्ट सिंपली उनको जोड़ दो तो पांच प्लस दस पंद्रह अगर तीन होते तो वो भी जुड़ जाता ठीक है तो पंद्रह ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों समझ में आ गई क्या समझ में आ गई बात को चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति या कौन सी डिवाइस चालक का विवांतर बनाए रखने में मदद करती है दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई वायर है इसमें आपको करंट को फ्लो करवाना है तो करंट फ्लो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जैसे अगर मैं बोलू करंट यहां से यहां पर जा रही है इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रही है अगर तो दो सिरों के बीच में अगर आप लोग चाहते हो करंट का करंट फ्लो करे तो उन दोनों सिरों के बीच में कुछ विभवांतर होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए इसको आप ऐसे समझो जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो आपकी माता जी आप लोगों की टेबल पर चाय रखे गई उस चाय गर्म थी उसका टेम्परेचर था सेवनटी डिग्री सेल्सियस बाहर का टेम्परेचर आप लोग मान लीजिए कितना है 20 डिग्री सेल्सियस तो आपको पता है जो हीट होती है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है तो 70 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी चाहिए थी उससे हीट निकलेगी निकलेगी जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर कम होगा साठ पचास चालीस तीस 20 जैसे ही बीस हो गया अब बाहर के टेम्परेचर के बराबर हो गया अब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा तो जैसे हीट के ट्रांसफर के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए उसी प्रकार करंट के ट्रांसफर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए विव्वानतर होना चाहिए तो अगर आप लोग चाहते हो ए और बी पॉइंट के बीच कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो तो आप लोग क्या कर दो कुछ बैटरी लगा दो जैसे आपने ये बैटरी लगा दी तीस वोल्ट इसका मतलब क्या है इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभवांतर उत्पन्न कर दिया तीस वोल्ट का सौ वोल्ट की बैटरी लगाते तो सौ वोल्ट का विभवांतर होता जितने ज्यादा वोल्ट की बैटरी लगाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगा विभवांतर होगा क्लियर है अरे समझ में आ गई नहीं आई बताओ चले आगे ठीक है तो आप लोग सेल लगा सकते हो बैटरी लगा सकते हो कुछ भी लगा सकते हो आप लोग चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बोला जा रहा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर यह दुधिया हो जाता है यह किसके कारण होता है जैसे दोस्तों जो चूने का पानी होता है ना इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं आप लोगों को इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका साधारण नाम होता है चूने का पानी जिसे इंग्लिश में आप लोग लाइम वाटर बोलेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि जब आप लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालोगे ना तो इसका जो ये चूने का पानी ना इसका रंग दूधिया हो जाएगा व्हाइटिश हो जाएगा थोड़ा सा तो ये क्यों होता है क्योंकि तो दोस्तों जब आप लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने के पानी में जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हो ना तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और इसी के बनने की वजह से ये जो चूने का पानी है इसका रंग क्या हो जाता है दुधिया हो जाता है तो किसके बनने की वजह से हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर ए ठीक है चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी से बताइए देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जो भ्रूण होता है भ्रूण है ना जैसे माता के गर्भ में कोई बच्चा है उसे आप लोग क्या बोलेंगे ब्रून बोलेंगे एम्ब्रायो बोलेंगे भ्रूण अभी वो उसको पूरा भी महीने का सफर तय करना है जिससे वो प्रॉपर आप लोग का बच्चा बन जाए ठीक है तो यार वो जो भ्रूण है वो डेवलप हो रहा है उसके अंग बन रहे हैं उसको भी तो पोषक तत्व चाहिए उसको भी तो भोजन चाहिए तो उसको भोजन तत्व कैसे मिलेंगे देखो मेरी बात समझो दोस्तों जब भी प्रेगनेंसी होती है तो अंदर भ्रूण जो है उसको भी भोजन चाहिए तो इसके लिए क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूटेरस होता है यानी जो गर्भाशय होता है उसके अंदर कुछ विशेष उत्तक बन जाते हैं उत्तक किसको बोलते हो कोशिकाओं के okay? समूह को बोलते हो टिश्यू है ना तो प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू यानी उत्तक बन जाता है दोस्तों इसी से जो पोषक तत्व होते हैं वो कहां तक पहुंचते हैं बच्चे तक पहुंचते हैं ठीक है थीके? तो करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा प्लेसेंटा हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा प्लेसेंटा हो जाएगा ओके चले आगे जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डैश रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन देखो आपको बताया कोई भी जीव होता है वो रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करता ही है करता है ना तो प्रजनन करने के अलग अलग तरीके होते हैं कोई किस मेथड से करता है कोई किस मेथड से करता है तो बेसिकली जो भी मेथड होता है उसको दो टाइप में आप लोग क्लासिफाई कर सकते हो एक होता है सेक्सुअल मेथड यानी लैंगिक विधि और एक होता है असेक्शुअल मेथड यानी अलैंगिक विधि सर सेक्शुअल मेथड में क्या होता है इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है असेक्शुअल में केवल एक पेरेंट होता है एक पेरेंट से बच्चा बन जाता है जैसे ह्यूमंस किस मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअल मेथड से यार ठीक है असेक्शुअल मेथड जो होता है ना ये भी अलग अलग टाइप का होता है तो एक एक के बारे में समझते हैं तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों कुछ आप लोगों के जीव होते हैं जो सिंगल सेल होते हैं मतलब जैसे हम हम जो हम भी तो जीव है हमारे में तो लाइफ है लेकिन हम तो बहुत सारी कोशिका उससे बने हुए हैं कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो केवल एक कोशिका के बने होते हैं ठीक है तो कोई मैंने जीव ले लिया जो एक कोशिका का बना हुआ है तो दोस्तों अगर इस कोशिका का विभाजन कुछ इस प्रकारों की बहुत सारी कोशिकाएं बन जाए तो इसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन तो देखो कितने सारे बच्चे बन गए तो रिप्रोडक्शन हो गया ना प्रजनन हो गया ना तो इस विधि को बोलता है मल्टीपल फिजन बहुविखंडन तो इस वाले मेथड से रिप्रोडक्शन कौन करता है ये प्लाज्मोडियम करता है सर ये प्लाज्मोडियम जीव जो होता है इसके बारे में कुछ और बताओ ना दोस्तों ये ही जीव है जिसकी वजह से आप लोगों को क्या होता है मलेरिया होता है क्या होता है मलेरिया होता है तो जब ये आपके बॉडी में आ जाएगा ना ये आपकी बॉडी में क्यों आया क्योंकि इसको बोज... ये पैरासिटिक नेचर का होता है परजीवी प्रकृति का परजीवी का प्रकृति का मतलब क्या है जो किसी दूसरे की बॉडी में रहकर न्यूट्रिशन ले भोजन ले तो ये आपकी बॉडी में आता है आपकी बॉडी से भोजन लेने के लिए और हमको क्या करता है बीमार कर देता है इसी रोग को हम लोग बोलते हैं मलेरिया ठीक है क्लियर है क्या बात है यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए बताओ जल्दी से अरे बताओ भैया देखो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है शूट के दूसरी और शूट को हिंदी में बोलते हैं प्ररो सर मुझे नहीं समझ में आया शूट क्या होता है अभी समझाते हैं टेंशन क्यों लेते हो ठीक है अभी समझाते हैं देखो देखो बात करते हैं शूट होता क्या है देखो देखिए आपको पता है कोई भी प्लांट होता है ना उसका कुछ पार्ट मिट्टी के अंदर होता है मिट्टी के अंदर होता है और कुछ पार्ट क्या होता है मिट्टी के ऊपर होता है तो जो मिट्टी के अंदर वाला नीचे वाला पार्ट होता है उसको तो बोलते हैं रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र और जो मिट्टी के ऊपर होता है उसे बोलते हैं शूट सिस्टम और क्या बोलते हैं प्ररोह तंत्र भी इसे बोला जाता है समझ गए बात को अरे समझे या नहीं समझे समझ गए ना बात को तो आप लोग समझ गए शूट किसकी बात बात हो हो रहा है है मिट्टी के ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है। जैसे भैया तना भी कहां पर होगा मिट्टी के ऊपर होगा ना तना ठीक है तो मान लो ये ऊपर वाले पार्ट की बात हो रही है बात ना क्वेश्चन पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दूसरी ओर डैश के मिश्रण के अन्न पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं सर समझ में नहीं आया बताओ अभी समझो देखो इधर देखो दोस्तों होता क्या है प्लांट में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्जिन हार्मोन कौन सा हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन ठीक है अब जैसे मान लो ये कोई तना है तना है यह सूर्य का प्रकाश है ना इस तने पर आ रहा है ठीक है आ रहा है ठीक है लेकिन मान लो अगर सूर्य इस तरफ होता तो प्रकाश ऐसे आता तो होता क्या है ऑक्सिन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ना वो कहां पर शिफ्ट हो जाता है डार्क साइड जैसे यार इधर तो प्रकाश ज्यादा आ रहा है इधर तो प्रकाश ज्यादा आ रहा है देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आप लोग देख पाओ देखो इस जगह तो प्रकाश ज्यादा आ रहा है तो जो ऑक्सीजन होते हैं ना वो डार्क साइड शिफ्ट हो जाते हैं जहां पर प्रकाश कम आ रहा है तो वो इस साइड शिफ्ट हो जाते हैं वो इस साइड शिफ्ट हो जाता है अब ऑक्सीजन का कार्य क्या है ऑक्सीजन हेल्प करता है सेल डिविजन में यानी सॉरी सेल इलोंगेशन में सेल इलोंगेशन का मतलब क्या है कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है तो यहां की जो कोशिका मान लो पहले इस साइज की थी अब क्या हो जाएगी ऐसी हो जाएगी तो बेसिकली यहां पर इलांगेशन हो जाएगा ना थोड़ा लंबाई हो जाएगा तो एक तरफ पार्ट लंबा हो गया एक तरफ छोटा तो एक तरफ झुक जाएगा वो तो झुकने का कारण क्या है आप लोग देख रहे हो जो तना है वो सूरज की तरफ झुक गया इसके पीछे कारण क्या है जो ऑक्जिन हार्मोन है ना वो डार्क साइड यानी जहां पर प्रकाश कम पहुंच रहा है वहां पर चल गया और वहां पर अगर चल गया तो वहां पर इलांगेशन ज्यादा होगा कोशिका की लंबाई में वृद्धि ज्यादा होगी क्योंकि यार ऑक्सीजन हार्मोन का काम ही है तो यहां पर लंबाई ज्यादा यहां पर कम तो उस साइड एक साइड जुट जाएगा ठीक है तो किस वजह से हो रहा है यह डैश हार्मोन के विसरण के कारण पौधे प्रकाश की ओर झुक जाता है कौन से हार्मोन की वजह से हो रहा है ये ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से हो रहा है ठीक है क्या अरे समझ में आया नहीं आया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मानव में संयोजी उत्तक के उदाहरण की पहचान करिए अब सर ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक क्या होता है पहले तो आप लोग समझो टिश्यू यानी उत्तक किसे बोलते हैं पहले तो उत्तक समझ लो दोस्तों कोशिकाओं के समूह को ही क्या बोला जाता है क्या बोला जाता है टिश्यू यानी उत्तक बोला जाता है समझ में आ गई बात को समझ में आ गई बात को समझ में आ रही है अब होता क्या है हमारी बॉडी में जो उत्तक पाया जाता है जैसे आप ये छोटा सा पार्ट काटोगे ना छोटा सा पार्ट काटोगे तो ये भी बहुत सारी कोशिकाओं का मिलकर बना हुआ यानी इसको भी मैं टिश्यू बोल दूं क्या उत्तक बिल्कुल बोल दो तो हमारी बॉडी में उत्तक अलग अलग प्रकार के होते हैं ऐसे उत्तक जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं उसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक जैसे दोस्तों यहां पर आपके चोट लग जाए तो ब्लड आ जाएगा क्या बिल्कुल पैर में चोट लग जाए तो ब्लड आ जाएगा क्या बिल्कुल यानी ब्लड आपकी पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है और ब्लड जो है वो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है उसमें आरबीसी डब्लू बीसी प्लेटलेट्स कोशिकाओं का समूह है तो ब्लड आपका उत्तक भी और पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या है आप लोगों का कनेक्टिव टिश्यू यानी उत्तक है सिमिलरली दोस्तों जो हड्डियां है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो हड्डी भी एक उत्तक है और हड्डी हर जगह पाई जाती है यार यहां पर भी हड्डी मिलेगी यहां पर भी मिलेगी यहां पर भी तो हड्डी भी एक क्या हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समझ में आ गई बात को चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है बताओ एटॉमिक मास सबसे कम किसका है यानी एक तो आप हाइड्रोजन का एटम लो एक हीलियम का लो एक लिथियम का लो बेरिलियम का लो बोरून का लो सबसे हल्का है एटम किसका होगा यार हाइड्रोजन का होगा क्यों होगा सर देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है वन देखो हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है ये हाइड्रोजन का रिप्रेजेंटेशन है ठीक है लिथियम का रिप्रेजेंटेशन ये है ठीक है हीलियम का रिप्रेजेंटेशन यह है तो दोस्तों नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक जो कि प्रोटॉन की संख्या बताता है यानी हाइड्रोजन का जो एटम होगा परमाणु होगा उसमें कितने प्रोटॉन होंगे एक प्रोटॉन होगा दोस्तों जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटोन भी एक है इलेक्ट्रॉन भी कितना है एक है अब ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं मास नंबर यानी द्रव्यमान संख्या जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बताती है हाइड्रोजन में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है एक है और अगर प्रोटॉन एक हो गया पहले ही तो न्यूट्रॉन कितना होगा one one, इसमें हाइड्रोजन के परमाणु में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है एक प्रोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है एक न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है लिथियम में बात करोगे तीन प्रोटोन है तीन इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन कितने चार के बात करोगे दो प्रोटोन है दो इलेक्ट्रॉन है न्यूट्रॉन कितना है न्यूट्रॉन दो तो मुझे बताओ कौन सबसे हल्का होगा ये देखो कितना हल्का है केवल एक प्रोटोन है एक इलेक्ट्रॉन है केवल तो हाइड्रोजन का सबसे हल्का होगा ठीक है अन्ना दास जी बोल रहे हैं सर आपका मेल बता दीजिए सेवन थ्री सेवन फोर जीरो वन नाइन फोर थ्री सेवन ये टीम का व्हाट्सएप नंबर है ठीक है तो इस पर कॉल दिक्कत आ रही है कॉल ये कोर्स के रिगार्डिंग वगैरह कुछ भी तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन सीओ टू में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज कितना है देखो इसमें क्योंकि ऑक्सीजन भी है कार्बन भी है मुझे कार्बन का परसेंटेज बता दो आप तो परसेंटेज ऐसे नहीं निकालते जैसे मैं बता रहा कैसे जैसे सीओ टू है सीओ टू क्या है एक मॉलिक्यूल एक अणु सारे अणु क्या होता है जो परमाणु से मिलकर बनता है तो देखो ये एक कार्बन का परमाणु है इसमें दो ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो कुल मिला के बहुत सारे परमाणु से मिलकर बनाए ना ये तो उसको मैं मॉलिक्यूल यानी अणु बोलूंगा तो अगर इसमें कार्बन की प्रतिशत पूछे तो ऐसे मत निकाल देना कि टोटल जो एटम्स थे वो कितने थे तीन थे इसमें कार्बन का कितना एटम है एक है तो चलो ऐसे परसेंटेज निकाल दो सौ से गुना कर दो परसेंटेज का साइन लगा दो आंसर आ गया थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंट ऐसे मत निकाल देना अगर ऑप्शन में थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री होता आप उस पर टिक कर देते हैं तो कैसे निकालते हैं आ जाओ मैं आपको बताता हूं दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का आपने एक मॉलिक्यूल इधर लिख देता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का आपने एक मॉलिक्यूल लिया एक अणु लिया उस अणु के अंदर क्या आए सर दो ऑक्सीजन के परमाणु आए एक हाइड्रोजन का आया सही बोल रहा हूं क्या मैं दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु का भार कितना होता है मतलब एक किलो का होता है दो किलो का होता है सर ये होता है एक ए एमयू का एमयू का मतलब होता है 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है एटोमिक मास यूनिट परमाणु द्रव्यमान यूनिट तो हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान होता है एक ए एमयू ठीक है ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है सोलह ए एमयू तो टोटल कितने परमाणु हैं दो है तो ऑक्सीजन के परमाणु का टोटल वेट कितना गया बत्तीस ए एमयू हो गया अच्छा सॉरी आ, एक हाइड्रोजन का नहीं है कार्बन का है क्या कर रहा हूं मैं कार्बन का है तो कार्बन के परमाणु का द्रव्यमान होता है बारह ए ठीक है तो अगर मैं आप लोग को बोलू सी एक मॉलिक्यूल एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा तो इस अणु में क्या है दो तो ऑक्सीजन के परमाणु जिन है जिनका द्रव्यमान है बत्तीस तो तो ए एक कार्बन का परमाणु है जिसका द्रव्यमान है बारह ए तो टोटल कितना द्रव्यमान आ गया एक मॉलिक्यूल का चवालीस ए तो इस चवालीस ए में से कार्बन का कितना था द्रव्यमान कार्बन का कार्बन का एक ही परमाणु था जिसका द्रव्यमान होता है, है बारह तो ये आप लोगों का आ गया कार्बन का परसेंटेज बारह बटे चौवालीस सौ से गुना कर लो परसेंटेज का साइन लगा लो सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा सॉल्व कर लो कितना आएगा भैया गणित मेरी बहुत कमजोर है कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं मैं तो आप भी कर सकते हो तो बारह बटे चवालिस इंटू सौ लगभग 27.27 मतलब 27.3 आप लोग मान सकते हो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है क्या आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए सर डर लग रहा है ग्रुप डी आंसर की के लिए तो डर क्यों लग रहा है यार सब बढ़िया होगा टेंशन के ले रहे हो अभी सवा ग्यारह बजे मैं एक इवेंट करूंगा कि कौन से क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है ओके okay? ठीक है वॉट हाइट कैन बी जंप ऑन दी मून 1.5 अगर पृथ्वी की सतह पर कोई ऐसे डेढ़ मीटर उछल सकता है तो चंद्रमा पर कितने मीटर उछल सकता है दोस्तों मैं उछल क्यों पा रहा हूं यह ज्यादा क्यों नहीं उछल पा रहा जैसे जब मैं उछला ना तो नीचे क्यों आ गया क्योंकि देखो कोई भी वस्तु होती ना जैसे मान लो एम द्रव्यमान की कोई भी वस्तु होती ना जैसे आप लोग इसको छोड़ रहे हो ये नीचे क्यों आ रहा है क्योंकि नीचे क्या कर रही है पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है जिस बल से आकर्षित करती है उसे ही हम लोग उस वस्तु का वेट यानी भार बोलते हैं जिसका फॉर्मूला क्या होता है एम इंटू जी ठीक है स्मॉल जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन है गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों चंद्रमा पे भी क्या ये एम जी लगेगा क्या बिल्कुल लगेगा लेकिन चक्कर क्या है चंद्रमा पर एम इंटू जी चंद्रमा वाला जो जी है ना वो पृथ्वी पे जो स्मॉल जी है उसका बट्टे छाइए चंद्रमा पर कितना केवल यही है तो अगर पृथ्वी पे ये वाला फोर्स लग रहा था चंद्रमा पर क्या लगेगा बट्टे छह लगेगा यानी पृथ्वी पे अगर कोई 600 न्यूटन से कोई नीचे खींच रहा है ना आपको चंद्रमा पर केवल 100 न्यूटन से खींचेगा तो आप ज्यादा उछल सकते हो वहां पर क्योंकि नीचे खींचने वाला कम है खींचने वाला बट्टे छह ही है यानी छह गुना आप लोग ज्यादा उछल सकते हो तो अगर आप लोग पृथ्वी पर डेढ़ मीटर उछल रहे थे डेढ़ मीटर को मैं तीन बट्टे दो बोल दू क्या तो उधर चंद्रमा पर छह गुना उछल सकते हो क्योंकि नीचे आपका बहुत कम लग रहा है यार तो ज्यादा उछल पाओगे ना तो तीन बटे दो इंटू छः कर दो तो छः को काटा दो से तीन बार में तीन इंटू तीन नौ मीटर क्लियर है क्या बताओ इसका आंसर बताओ बीस न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु को दो मीटर से विस्थापित करता है और बीस जूल का कार्य करता है तो बल और विस्थापन के बीच का कौन बताओ सर ये क्या क्वेश्चन हो गया अभी बता दो जैसे मान लो ये कोई एक सरफेस है सतह इस इसपे कोई लकड़ी का टुकड़ा रखा था ठीक है लकड़ी का टुकड़ा रखा था आप मान लो दोस्तों इसे रस्सी से इसको खींच रहे हो ना ये रस्सी है मतलब आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में ठीक है और मानते हैं ऐसे लकड़ी से ये रस्सी से खींचने पर ये वस्तु यहां से कहां पर आ गई इस जगह आ गई इस जगह आ गई यानी वस्तु जो डिस्प्लेस हुई है विस्थापित हुई है वो किस दिशा में हुई है इस दिशा में हुई है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की दिशा ये है और फोर्स जो आपने लगाया वो इस दिशा में है मान लेते हैं दोस्तों दोनों के बीच में जो एंगल है वो ठीक है बीस भी हो सकता है तीस भी हो सकता है चालीस भी हो सकता है मुझे नहीं पता ठीक है तो अगर आप लोगों को बोला जाए कि किसी वस्तु पर आपने फोर्स लगाया और उसमें कुछ विस्थापन हो गया तो बताइए कितना वर्क करा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ठीटा ठीटा कौन सा है फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल ठीक है तो फोर्स आप लोगों ने कितना लगाया बीस न्यूटन का लगाया वस्तु विस्थापित कितनी हुई दो मीटर से तो दो से गुना कर दो इंटू कॉस ठीटा और वर्क का मान कितना बता रहा है बीच बता रहा है तो इधर लिख दिया मैंने बीस बराबर कर दो बीस से बीस कट गया एक बट्टे का एक बट्टे दो कब होता है, जब थीटा का मान होता है. जैसे भैया मैं आप लोगों को बोलूं साइन सिक्सटी का मान रूट थ्री बाय होता है टेन सिक्सटी का मान कितना होता है रूट थ्री होता है समझ लो बात को तो करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लियर चले आगे आ जाओ क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताए सर आज आंसर की आएगी बिल्कुल अच्छी बात है ना आंसर की आएगी यार जल्दी जल्दी सिलेक्शन लो तो आप लोगों को क्या करना है इनको मैच करना है इनसे ठीक है देखो दोस्तों जो हॉर्स पावर होती है ना अश्व शक्ति ये पावर की ही यूनिट होती है एक जैसे पावर का ऐसा क्या होता है पावर का ऐसा वॉट लेकिन दोस्तों जो बहुत ज़्यादा पावर होती है ना यानी बहुत ज्यादा वॉट होती है उसको हॉर्स पावर में नापा जाता है तो एक हॉर्स पावर में सात सौ छियालीस वॉट होता है ध्यान रखेंगे तो फोर आपका डी से कनेक्ट होगा पहले बात ये समझो दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर अब सुनो एक किलो वाट, किलो का मतलब होता है दस की पावर तीन हजार तो एक किलो वाट का मतलब हजार वाट कर दूं मैं इसको ठीक है ठीक है और कोई दिक्कत नहीं है बात आती है एक किलो आवर इसको मैं यहां पर लिख देता हूं एक किलो आवर दोस्तों किलो को क्या लिख सकता हूं हजार वाट लिख सकता हूं बिल्कुल लिख दो सर हजार वाट लिख दो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों वॉट क्या होता है वॉट होता है जूल बट्टे सेकंड से पावर फाइव तो तो से ये, ये रहे। जूल दस से भाग लगा दो तो छत्तीस बन जाएगा तीन दशमलव तो भाग लगाए तो गुना भी तो करो तो दस की पावर पांच क्या हो जाएगा दस की पावर छ हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो दोस्तों ध्यान रखो एक किलो वॉट आवर को आप लोग 3.6 पॉइंट सिक्स इंटू की पावर सिक्स जूल भी बोल सकते हो तो ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों न्यूटन मीटर क्या होता, जूल होता। है।, जूल तो into क्या है जूल होता है बोलते हैं तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा तो आ जाओ दूसरे वाले को कनेक्ट करा आपने सी से दूसरा वाला कनेक्ट होगा सी से तीसरा वाला कनेक्ट होगा आप लोगों का बी से तीसरा वाला कनेक्ट होगा बी से फोर्थ वाला कनेक्ट होगा डी से वन वाला ए से ऑप्शन नंबर हो जाएगा समझ में आ गई बात को समझ में आ गई बात को आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एल्कोहल का क्वतनांग दिया हुआ है सेवनटी एट डिग्री सेल्सियस देखिए बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट की इतने टेम्परेचर पर वो बॉइल हो जाएगा उबल जाएगा ठीक है तो एलकोल उबल जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस पे लेकिन आप बताओ कैल्विन में बताओ कैलविन में तो अगर आपको सेल्सियस को कैलविन में बदलना है ना सिंपली इसमें क्या कर तो दो सौ तिहत्तर एड कर दो और कुछ भी नहीं करना आपको तो अठहत्तर में दो सौ तिहत्तर एड कर दो सौ अठहत्तर सॉरी दो सौ तिहत्तर एड कर दो किस में अठहत्तर में तो कितना हो जाएगा आठ और तीन ग्यारह सात चौदह पंद्रह दो तीन तीन सौ इक्यावन ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गई बात को दोस्तों एक कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसका सूत्र क्या होगा जैसे आपको पता है कोई भी एटम होता है ना परमाणु होता है उसके बीच में होता है न्यूक्लियस नाभिक इसके चारों ओर कक्षाएं होती है जिसे आप लोग बोलते हैं कोश ये पहला कोश ये दूसरा कोश ये तीसरा कोश ये चौथा कोश तो किसी भी कोश या किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है क्या टू एन स्क्वायर तो जब एन का मान आप लोग वन रखोगे तो वन का स्क्वायर वन इंटू टू टू यानी पहले वाले कोश में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एन बराबर टू रखो तो एन बराबर टू रखा टू का स्क्वायर फोर फोर टू जाए दूसरे वाले में एट इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एन का मान थ्री रखो तो थ्री का स्क्वायर नौ नौ दुनिया तो पहले में दो आ सकते हैं दूसरे में आठ तीसरे में अठारह ठीक है तो ये किस फॉर्मुले से निकले ऑप्शन नंबर ए वाले से निकले क्लियर है समझ में आ गई बात को चले आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है ब्लीडिंग होती है तो दोस्तों अगर आप लोगों के चोट लग जाती है तो थोड़ी देर में वहां पर क्या हो जाता है ब्लड का क्लॉट हो जाता है रक्त का थक्का जम जाता है जिससे और ब्लड बाहर नहीं निकले इस रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी हुई तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी बार बार आप लोगों की क्या होगी ब्लीडिंग आएगी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे एलपीसीबीटी वन के ठीक है आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का जब एल की वैकेंसी आएगी तो उसमें सीबीटी टू के लिए आप लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा इतना ट्रेड पढ़नी पड़ेगी बेस साइंस इंजीनियरिंग तो एटलीस्ट आप लोग पहले से प्रिपेयर करके रखो या तो सीबीटी वन पहले से प्रिपेयर कर लो या सीबीटी टू कर लो जिससे लोड बाद में नहीं आए तो अभी बेस्ट क्या रहेगा पहले सीबीटी वन के लिए कर लो तो दोस्तों साइंस अच्छे खासी आती है आप लोगों को पता है साइंस आप लोग मुझसे डिटेल में कंप्लीट मेरा थ्योरी बैच है मजा आ जाएगा फॉर ऑल कॉम्पिटिव एग्जाम मतलब रेलवे का कोई से भी एग्जाम आप लोग दे लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इन्वायरमेंट चारों में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं फीचर क्या होंगे देखो शानदार आप लोगों को स्लाइड्स शानदार कंटेंट मिलेगा प्रॉपर एनिमेशन के साथ में आप लोग जाके देखो अभी देखो कल ही मैंने पढ़ाया था कल वाली स्लाइड ही है प्रकाश का परावर्तन मैं कल पढ़ा रहा था तो मतलब शानदार कंटेंट वगैरह मिलेगा तो हर टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन है आप लोगों को यहां पर टेस्ट सीरीज भी फ्री है जिसकी प्राइस है दो सौ निन्यानवे यहां पर आपके साइंस के चैप्टर वाइज टेस्ट है तो आप लोग अलग से परचेज ना करिए जब ये कोर्स परचेज करेंगे तो उसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी एक कोई चैप्टर पढ़ो जब हो जाए उसका जाके टेस्ट अटेंड करो चैप्टर पढ़ो जैसे हो जाए उसका जाके टेस्ट अटेंड करो कंटेंट बायलिंगुअल होगा हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी जिसे आप लोग प्रिंट करा सकते हो एक साल की वैलिडिटी है ठीक है तो यहां पर ज्वाइन कैसे करना है प्ले स्टोर पर जाइए साइंस मैग्नेट ऐप इंस्टॉल करिए इसके कोर्स वाले सेक्शन में आप लोग जब जाएंगे तो ये आप लोगों को खुल जाएगा तो यहां पर ऑप्शन आएगा बाय नाउ का तो इस पर करके आप लोग किसी भी मेथड से पे, पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम वगैरह गूगल पे वगैरह किसी से भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर कॉल कर ले आप सेवन थ्री सेवन फोर जीरो वन नाइन फोर थ्री सेवन पे समझ गए और बताओ सर बेसिक साइंस जनजे का भी बेसिक साइंस का भी लेके आऊंगा पहले ये वाला तो कर लू मैं जनरल साइंस का क्योंकि आपके आरपीएफ में भी आएगी आरआरबी जेई में भी आएगी एलपी में भी आएगी तो उसका तो कोर्स कंप्लीट करा दू मैं उसके बाद में लेकर आऊंगा मैं समझ गए बात को तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और अभी सवा ग्यारह बजे में एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आने वाला हूं तो उससे आप लोग जुड़े रहिए ठीक है समझ गए थैंक यू सो मच बाय बाय ध्यान रखिए अपना